Class second year, chemistry, chapter 11, alcohols, phenols and ethers, lecture number 3. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स. प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को एक दूसरे से किस तरह से मुतफरिक किया जाता है, आज हमने ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है. इस टॉपिक को आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है. और इस डिस्टिंक्शन के लिए हम जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज करते हैं उसे लियोकास टेस्ट बोला जाता है. लियोकास टेस्ट में जो हमारे पास टेस्टिंग रिएजेंट होता है वो हमारे पास HCl है, ZnCl2 है एंड दैट ZnCl2 इज बेसिकली एनहाइड्रस ZnCl2. एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है? एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई. तो आपके पास ये जो ZnCl2 होता है ये ड्राई ZnCl2 होता है, ठीक है. अब आपके पास अल्कोहल्स जो है वो HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में जो पड़ा हुआ है उस तीनों अल्कोहल्स जो है प्राइमरी भी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये तीनों अल्कोहल्स जो है वो इसके साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है. लेकिन हमें किस तरह से पता चलेगा कि आपके पास जो मौजूद अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है? सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल को जो है वो पढ़ लेते हैं. आपके पास प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज CH3CH2OH. जब आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2 तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो आपके पास CH3CH2NCl मतलब के इथाइल क्लोराइड बनता है एंड प्लस वाटर कॉन्टेंट जो है वो रिलीज होता है. अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हमें इसको हीट अप करना पड़ता है, ठीक है. जब कभी आप प्राइमरी अल्कोहल्स का लियोकास टेस्ट करेंगे, मतलब जब कभी आप प्राइमरी अल्कोहल्स को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे हीट अप करना पड़ेगा और फिर जाकर आपके पास आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो आपके पास एग्जाम्पल चेक की हुई है बेटे, ये सेकेंडरी अल्कोहल की एग्जाम्पल दी हुई है, दैट इज RCHRNOH. जब आप इसे HCl plus ZnCl2 की प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो RRCHNCl plus आपके पास H2O मतलब कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका प्रोडक्ट मिलेगा और प्लस वाटर जो है वो रिलीज होगा. और ये रिएक्शन प्रोसीड होने में 5 से 10 मिनट लेगा. इसी तरह से जब आप टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये टर्शियरी अल्कोहल पड़ा हुआ है, कार्बन बीच में है, कार्बन के इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है और कार्बन के चौथे बॉन्ड पे जो है वो OH पड़ा हुआ है. जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो ये रिएक्शन इमीडिएट रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनेगा. ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड किस तरह से है, क्योंकि कार्बन के तीनों तरफ जो है अदर अल्काइल ग्रुप अटैच है और एक तरफ आपके पास क्लोरीन अटैच है और साथ में वाटर कंटेंट रिलीज होगा. अंडरस्टैंड? अब इस टेस्ट का जो रिजल्ट है या जो उसका नतीजा है वो क्या निकलेगा कि अल्कोहल्स जब भी HCl के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2 तो ये क्या बनाती हैं, एक ऑयली लेयर बना देते हैं. अब इन तमाम के नतीजे में जब प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करेगा और जब सेकेंडरी करेगा टर्शियरी करेगा इन तमाम के नतीजे में ऑयल लेयर की फॉर्मेशन होगी. लेकिन आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसे हमें हीट भी प्रोवाइड करना पड़ेगी, लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 5 से 10 मिनट ले लेगा. जबकि आपके पास जो टर्शियरी अल्कोहल है ये इमीडिएट मतलब फौरन रिएक्शन जो है वो शो करेगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड मिथानॉल. एथेनॉल और मिथानॉल के बीच में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मतलब अगर आपके पास दो सॉल्यूशन पड़े हुए हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि इन दोनों में से कोई सा भी एथेनॉल है और कोई सा भी मिथानॉल है तो आप उसको किस तरह से टेस्ट करके बता सकते हो कि ये रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन एथेनॉल है और ये रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो मिथानॉल है. उसके लिए जो हमें टेस्ट किया हम जो टेस्ट करते हैं वो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट होता है और उसके लिए
जो आप टेस्टिंग रिएजेंट यूज करते हैं वो आपके पास आयोडीन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। तो सबसे पहले हम एथानॉल को देखेंगे, CH3 है, CH2 है, OH है, दिस इज एथानॉल और ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 6NaOH एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज CHI विच इज कॉल्ड एज आयरोफॉर्म और ये येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे या उसकी सरफेस पे आ जाएंगे, जो आपके पास रिएक्शन लिक्विड जो होगा उसकी सरफेस पे आ जाएंगे आफ्टर रिएक्शन। और उसके अलावा आपके पास HCOONa एंड प्लस आपके पास सोडियम आयोडाइड एंड प्लस वाटर जो है वो रिलीज होंगे। जबकि जब आप मेथनॉल के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास नो रिएक्शन प्रोसीड, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और ना ही कोई आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो कोई येलो प्रेसिपिटेट भी नहीं मिलेगा। अब अगर आप रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट में आपके पास मेथनॉल है, दिस इज CH3OH प्लस आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो रिएक्शन, नो आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन, दैट मीन नो येलो प्रेसिपिटेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द यूजेस ऑफ अल्कोहल। आपके पास यहाँ पर जो है बेसिकली आपकी बुक में भी और यहाँ पर भी ज्यादातर जो है मेथनॉल और एथेनॉल को डिस्कस किया गया है। उसकी वजह यह है कि आपके पास मेथनॉल और एथेनॉल की एप्लीकेशन जो है वो सबसे ज्यादा, इन अल्कोहल्स की जितनी भी वैरायटी है उनमें से सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास मेथनॉल और एथेनॉल की है। सो आपकी बुक में भी इन्हीं की इन दो अल्कोहल्स की ही एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम मेथनॉल को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मेथनॉल होते हैं उन्हें हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं एंड एज अ एंटी फ्रीज यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्हें एज अ सॉल्वेंट किस तरह से यूज किया जाता है। इन्हें एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल, पेंट्स एंड वार्निशेस, ठीक है। इनमें ये एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। फैट्स, ऑयल का भी आपको पता है क्या चीज होती है, पेंट्स एंड वार्निशेस दे आर द सेम थिंग। वार्निशेस जो होते हैं बेसिकली हमारे पास वो पेंट्स होते हैं जो कि वुड्स को स्पेशली जो है पेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट इसका जो यूज है एज एन एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का क्या मतलब होता है कि मेल्टिंग एजेंट के तौर पर काम करना। तो इसे एज एन एंटी फ्रीज यूज किया जाता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, रेडिएटर्स में, एंटी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, मतलब के अल्कोहल्स को डिनेचरिंग का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रॉय करना। इसके बाद आपके पास है एथानॉल। एथानॉल जो है वो भी आपके पास एज अ सॉल्वेंट यूज होता है और ये एज अ सॉल्वेंट किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है, ड्रिंक के पर्पसेस के लिए यूज होता है एंड फ्यूल। ड्रिंक पर्पसेस मीन जितने भी आपके पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स में से देख ले तो आपके पास कोलास है, इसके अलावा बहुत सारी अदर एनर्जी ड्रिंक्स है जिनके अंदर बहुत माइल्ड जो है अल्कोहल जो है वो यूज की जाती है और वो अल्कोहल बेसिकली एथेनॉल होती है। इसके अलावा इसको प्योर फॉर्म में भी एज अ ड्रिंक यूज किया जाता है और इसके अलावा इसे एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है एरोप्लेन्स एंड अदर यू नो इक्विपमेंट्स, दूसरे जो एरोप्लेन्स और इक्विपमेंट्स हैं उनमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये आपके पास फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। आपके पास जो एंटीसेप्टिक लिक्विड्स होते हैं वो बेसिकली जो है एथेनॉल से प्रिपेयर किए जाते हैं और इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने लैब्स में देखा होगा कि वहां पर स्पेसिमेंस पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस पड़े हुए होते हैं और उन स्पेसिमेंस को एक खास किस्म के लिक्विड में प्रिजर्व किया जाता है और वो लिक्विड आपके पास क्या होता है, बेसिकली एथेनॉल होता है। सो ये आज का आपका दो टॉपिक्स थे जो कि आपको कवर अप करवाई गई है और आपने यही दो टॉपिक्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, डिस्टिंक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड मेथनॉल एंड यूजेस ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल, दीज थ्री टॉपिक्स जो है ये आपके एज एन असाइनमेंट है, ये आपने लिखने भी है, ये आपने याद भी करनी है।